इस वक्त मैं दशरथ महल यानी अयोध्या में मौजूद हूं और अयोध्या में आज भगवान श्री राम की बारात के सारे कार्यक्रम विधिवत उनकी घोषणा हुई है। कहां कहां कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं और आपको बता दें कि आज जो एक राम बारात उत्तर भारत की सबसे एक प्रसिद्ध महोत्सव के रूप में मनाई जाती है, इसके बारे में जानकारी हम साथ में कैलाश मंदिर के महंत निर्मल गिरी जी महाराज मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। महाराज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज विधिवत घोषणा हो चुकी। देखिए बहुत सुंदर, आगरा की जो राम बारात है ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी राम बारात है। वो इसमें इस बार जो है अयोध्या का जो रूप बनाया गया या जो अयोध्या के लिए राजा दशरथ का चयन हुआ वो हमारे ब्राह्मण शिरोमणि संतोष शर्मा जी को लिया गया। तो जैसे एक रामायण में चौपाई है ना के एक एक दिन महत्वपूर्ण होना चाहिए राम काज के लिए। वो राम काज की नहीं बिना मोहि तार किया है, बिल्कुल हर दिन हर सुबह वो उठते हैं, राम जी की आरती करते हैं, पूजा पाठ तो पूरा परिवार ही करता है। नित्य प्रति जो राम बारात निकलने वाली है उसके लिए क्या हमें अच्छा करना चाहिए, क्या हमें संदेश देना चाहिए, उसमें वो कई ऐसी अपनी झांकियां भी निकाल लें जो नर सेवा नारायण सेवा को कृतार्थ करती है। तो ऐसे लक्ष्य को लेके संतोष शर्मा जी चले हैं। तो ये तो हमारे आगरा का सौभाग्य है कि ऐसे दशरथ के रूप में हमें इस तरीके के एक व्यक्तित्व जो है संतोष शर्मा जी मिले, जो दशरथ का अपना किरदार निभा रहे हैं और पूरा परिवार पूरी तन्मयता से आज उन पर कोई भी काम नहीं है, सिर्फ राम काज है। केवल राम जी के काम में पूरा परिवार लगा हुआ है। नित्य नए जो है कार्यक्रम यहाँ संगीत के, कभी सुंदरकांड कभी रामायण, तो इसी श्रृंखला में उनके बड़े बड़े भी अभी इवेंट होने बाकी है। जो ओरछा से संगीतकार आ रहे हैं, राजदेवम में बहुत बड़ा मेहंदी का उसका कार्यक्रम उन्होंने रखा है। तो समूचे आगरा को उन्होंने जोड़ने का कार्य किया, इसमें हर वर्ग हर समाज को जोड़ने का कार्य किया है। अच्छा महाराज जी, एक चीज, यहाँ परंपराओं का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि हमारे सनातन में जो परंपराएं हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं कोड करके उन्हीं चीजों को फॉलो किया जा रहा है, कैसे देखें? देखिये संतोष जी का परिवार बेसिकली बहुत पूजा पाठ और संस्कारी परिवार है और संतोष जी भाई साहब जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे उस रामायण के भाव को लेते हुए। दशरथ जी जैसे बड़े उत्साहित थे कि मेरे राम का विवाह हो रहा है, क्योंकि दशरथ जी की एक अवस्था थी, उस अवस्था में राम जी का उन्होंने विवाह किया। तो वो खुशी कहीं ना कहीं संतोष जी और उनके परिवार में, ललिता जी जो माँ कौशल्या के रूप में है और उनके दोनों पुत्र और पुत्री भी पूरी तन्मयता से हर कार्यक्रम को बिल्कुल वास्तव में कहीं भी कोई भी उसमें बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, मतलब होगा तो वो संस्कार युक्त तो होगा, अन्यथा नहीं होगा, रामायण जी के अकॉर्डिंग ही होगा। बिल्कुल रामायण के अकॉर्डिंग अनुकूल ही कर रहे हैं, हर चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। संतोष जी वैसे भी बहुत संस्कारी है, क्योंकि वो कहीं भी अपना आम तौर से गलत चीजों का स्वयं भी जो है आचरण नहीं करते। तो ऐसा आचरणमान व्यक्ति जिसको स्वयं दशरथ बनाया गया हो, आप देखिए कि हमारी राम बारात कोकामल जी ने स्टार्ट की, ये बहुत आगरा की क्या उत्तर भारत की सबसे बड़ी राम बारात रही। और इसमें जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा राम बारात से ज्यादा पूरे आगरा शहर के अंदर आज अगर हम कहीं देखेंगे तो दशरथ के रूप में हमारे ब्राह्मण शिरोमणि संतोष जी, ललिता जी कौशल्या के रूप में, वो सब जगह उनके होर्डिंग्स और उनके। एक सवाल और इसमें से निकल के आ रहा है कि सत्यमेव जयते ट्रस्ट और हेल्प आगरा मिलकर और संतोष शर्मा जी खास करके इन्होंने एक संकल्प लिया है, 40 ऐसे लोग चयन किए गए हैं, उनको किसी भी चीज की जरूरत हो, बीमार अस्वस्थ हो शरीर से, उनके लिए भी वो मदद कर रहे हैं। ये यही है नर सेवा नारायण सेवा, मतलब उन्होंने उस भगवान राम के किरदार जो भगवान का जो जीवन रहा, जो उन्होंने सेवाएं की या संदेश दिया, संतोष जी वही उन्हीं सब चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। कि साहब उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम सत्यमेव जयते ट्रस्ट के हेल्प आगरा के सहयोग से हम 40 लोगों का हार्ट डोनेशन और वैसे
जो बहुत टिपिकल ऑपरेशन है, जहाँ के लोग सोचते हैं कि हम कैसे खर्चा करेंगे, उनको इस कार्यक्रम से जोड़ते हुए उन्होंने उसके लिए संकल्प ले लिया। तो ये अपने में एक एक बहुत बड़ा संदेश है। और ये रामबरात कोई एंजॉय करने का या मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक संदेश देने का काम करती है। तो ये बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं वो। आने वाले समय में मैं तो कहूँगा भगवान राम उन पर अपनी कृपा बनाए रखे, वो आगरा में ऐसे जीवंत कार्यों को करें जिससे पूरा शहर उनके कार्यों से कृतार्थ हो। अद्भुत कार्यों का संकल्प वाकई एक लक्ष्मण रेखा खींचता है कि यहाँ तक मैंने कर दिया, अब यहाँ से आगे आप करिए। तो संतोष शर्मा जो राजा दशरथ का किरदार अदा करेंगे इस बार, तो उनका कहीं ना कहीं जो व्यवहार है वो भी नर सेवा नारायण सेवा का एक माहौल बना दिया है उन्होंने। दूसरा, जहाँ जो विधिवत कार्यक्रम है राम बरात के, वो भी डिसाइड हो गए हैं, कहाँ से क्या व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से राम की बरात जाएगी, कहाँ कैसे कितना टाइम पहुंचना है, तो सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रूप से यहाँ पर आज घोषित कर दिया गया है। निर्मल गिरी जी महाराज ने पूरी जानकारी दी। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री राम।